अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर 10 डिसऑर्डर ऑफ आई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसका जो फंक्शन और मैकेनिज्म है वो सारा डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर ह्यूमन आई का जो नॉर्मल फंक्शन है वो किसी वजह से परफॉर्म ना हो सके तो उसको हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई कहते हैं। तो आज हमने दो डिसऑर्डर जो हैं आई के डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट साइडनेस, इसको हम मायोपिया भी कहते हैं। इन दिस डिसऑर्डर ए पर्सन कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है, ये ऐसा नुक्स है जिसमें इंसान नज़दीक की चीज़ों को तो क्लियरली मतलब साफ तरीके से देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। ठीक है, जिसको हम आम जुबान में हम अक्सर कहते हैं ना कि इसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, ये उसको हम बायोलॉजी में जो है शॉर्ट साइडनेस या फिर मायोपिया कहते हैं। दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया। अब इसके काजेज क्या हैं? आई बाल अनयूजअली बिकम लॉन्ग, कि आई बाल जो है, ठीक है, आई बाल कभी कभार क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जब दूर से कोई भी लाइट रे आती है तो वो प्रॉपरली लेंस उसको फोकस नहीं कर पाता। तो डिफेक्ट इसमें क्या होता है, द लाइट रेज डज नॉट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ रेटना बट इन फ्रंट ऑफ रेटना। ठीक है, जो लाइट रेज है वो रेटना पर फोकस होने के बजाय किधर आती हैं, रेटना के फ्रंट में आती है, मतलब बिल्कुल सामने आती है, जिसकी वजह से सो ब्लर्ड इमेज इज फॉर्म, एक धुंधला सा जो इमेज है वो बनता है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल अगर ह्यूमन आई है तो नॉर्मल ह्यूमन आई में अगर लॉन्ग मतलब या लार्ज डिस्टेंस से या दूर से कोई भी लाइट रे आती है तो वो किस पे लेंस उसको किस पे फोकस करता है, रेटिना के ऊपर, इस पॉइंट पर। अगर आपको याद हो तो ये फोविया पॉइंट था जहाँ पर जो है रोशनी या सबसे ज़्यादा वो फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद थे। ठीक है, लेकिन जब शॉर्ट साइडनेस होती है तो आई बॉल जो है वो थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट रेज जो है वो रेटना पर फोकस होने के बजाय किधर होती है, रेटना के सामने फोकस होती है, तो इसको हम शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, यूजिंग कनकेव लेंसेज इन ग्लासेज आर इन कॉन्टैक्ट लेंसेज दीज, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लासेस कहते हैं चश्मों में, ठीक है, या फिर जो डायरेक्टली अक्सर कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा दिए जाते हैं तो उनमें जो है वो ख़ास किस्म का लेंस यूज़ किया जाता है, उसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो एजेस से थिक होता है और मिड से जो है वो थिन होता है। दिस लेंस इंश्योर्स दैट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन द रेटना, ये लेंस क्या करते हैं, रेटना के ऊपर लाइट को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट अपीयर ब्लरी, और दूर से आने वाली जो ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज़ है वो फिर धुंधली नज़र नहीं आती। या फिर इसका दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास है लेज़र आई सर्जरी, सर्जरी के ज़रिए जो है वो लेंस को और आई बॉल को ठीक कर दिया जाता है ताकि जो चीज़ है वो रेटना के ऊपर ही फोकस हो। ये देखें, ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस लेंस को हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एजेस से जो है वो थिक होता है या बाहर की तरफ निकला होता है और अंदर से दरमियान वाली जगह से ये अंदर की तरफ मौजूद होता है या थिन होता है। तो ये क्या करता है, दूर से आने वाली रोशनी को अपने अंदर फोकस करके लेंस पर फोकस करते हैं और फिर लेंस जो है इसको डायरेक्टली रेटना के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ भी जो है वो ठीक नज़र आएगी, ब्लर नज़र नहीं आती। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग साइडनेस आर हाइपरमेटोमिया, इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द क्लोज ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोमा मिट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमिट्रोपिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान जो है वो नज़दीक की चीज़ सॉरी दूर की चीज़ों को क्लियरली देख लेता है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसके कॉजेज हम देख लेते हैं, वेन द आई बाल इज़ टू शॉर्ट, जब आई बाल बहुत छोटी हो जाए या शेप जो है वो लेंस की वो राउंड ना रहे। ठीक है, या तो लेंस में कोई ख़राबी आ जाए या फिर आई बाल के स्ट्रक्चर में, तो उसकी वजह से लॉन्ग साइडनेस हो सकती है। इसका डिफेक्ट क्या है, द लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना। अब इसमें क्या होता है, लाइट रेज रेटिना के ऊपर फोकस होने के बजाय उसके पीछे फोकस होती है क्योंकि आई बाल छोटी होती है, एंड ब्लर इमेज इज लेफ्ट ऑन द रेटिना, और रेटिना के ऊपर एक धुंधला सा इमेज जाहिर होता है या अपीयर होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इन्होंने ये नॉर्मल दिखाया, मतलब नॉर्मली जब नज़दीक से कोई भी रोशनी आती है तो वो डायरेक्टली इस तरह से रेटिना के ऊपर फोकस होती है।
ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग साइडनेस आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये देखें, ये जो रोशनी है ये इसके ऊपर फोकस होने के बजाय क्या हो रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। तो इसके लिए हम जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, जो कि एजेस से बारीक होता है और मिड से वो थिक होता है। ये क्या करता है, अपने अंदर लाइट को, नज़दीक से आने वाली रोशनी को फोकस करके इस लेंस पर फोकस करता है और फिर वो रोशनी किधर आती है, रेटिना के ऊपर आती है, उसके पीछे जाने के बजाय रेटिना के ऊपर फोकस होती है और हमें फिर जो नज़दीक की चीज़ भी है वो क्लियरली नज़र आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में इसकी यही है कि यूजिंग कन्वेक्स लेंस इन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। दीज लेंस इंश्योर्स दैट लाइट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई। और सेकंड, इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र आई सर्जरी है, मतलब अगर नज़र जो है चाहे वो शॉर्ट साइडनेस है चाहे वो लॉन्ग साइडनेस है अगर बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है तो फिर उसको जो है ये लेंसेज के ज़रिए नहीं ठीक किया जा सकता, बल्कि उसको सर्जरी के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम ने ह्यूमन आई डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। दो डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस।